झुंझुनू रोड स्थित एमडी स्कूल ऑफ एजुकेशन की ओर से संचालित एमडीसीएल द्वारा क्षेत्र की प्रतिभाओं को आईआईटी व नीट की तैयारी के लिए उचित प्लेटफॉर्म देने के लिए आज सुबह 10 बजे से 1 बजे तक एमडी मेगा टैलेंट सर्च व करियर काउंसिल सेमिनार का आयोजन किया गया। परीक्षा में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी शामिल हुए। प्रतियोगिता में प्रत्येक कक्षावार प्रथम पुरस्कार लैपटॉप, द्वितीय से चतुर्थ तक एलईडी टीवी, पंचम से अष्टम तक टैबलेट मोबाइल व 200वें स्थान तक बैग व स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। एमडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन सुनील कुमार डांगी ने बताया कि यह परीक्षा क्षेत्र की उन प्रतिभाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो डॉक्टर व इंजीनियर बनने के सपनों को साकार करना चाहते हैं। इस आयोजन का मुख्य आकर्षक कैरियर काउंसिल सेमिनार है जिसमें विद्यार्थियों को एक्सपर्ट काउंसिल द्वारा गाइडेंस दी गई। एमडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में वर्तमान में कक्षा 9 से 12 तक नीट व आईआईटी की तैयारी के लिए फाउंडेशन व 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट बैच भी संचालित हैं। 2023 का एमडीटीएस का आयोजन आज किया जा रहा है एमडी स्कूल के अंदर, एमडी टैलेंट सर्च एग्जाम, उसके साथ में ही सेमिनार किया गया है बच्चों का 1 घंटे का, जिसके अंदर बच्चों को फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से सारा एक बहुत ही उत्साहजनक माहौल संस्था के अंदर रहा है और इसमें लगभग 1300 प्लस स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, जिसमें 9th से लेकर 12th और 12th पास वाले स्टूडेंट्स इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एमडी टैलेंट सर्च एग्जाम के अंदर। और कैरियर काउंसलिंग सेमिनार हुआ है वो भी बड़ा उत्साहवर्धक था, बच्चों ने काफ़ी जानकारियाँ जुटाई हैं उसके थ्रू कि किस तरह से आगे एग्जाम दे सकते हैं, किस स्ट्रीम में जा सकते हैं, क्या आईआईटीज होता है, क्या एनआईटीज होता है, क्या एमबीबीएस में सीट्स होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारियां जो हैं वो बच्चों को दी गई हैं। और इस एग्जाम में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी संस्था का एक भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो 1300 प्लस बच्चे हों सारे के सारे बाहर से आए हुए अदर इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स हैं। बेस्ट टैलेंट सर्च एग्जाम शायद हम लोगों ने करवाया था आज से लगभग 4 साल पहले, और तब से लेकर के हम लगातार हर साल टैलेंट सर्च एग्जाम करवाते हुए आ रहे हैं। और टैलेंट सर्च का जो हमारा पहला टैलेंट सर्च एग्जाम था उसका जो फर्स्ट टॉपर बच्चा था ऋषि पूनिया, वो आज आईआईटी कानपुर के अंदर पढ़ रहा है। वो हमारे पहले टैलेंट सर्च का टैलेंट था और वो आईआईटी कानपुर के अंदर आज स्टडी कर रहा है। उसने 11,000 रुपये का इनाम आज से 4 साल पहले हासिल किया था संस्था में टेस्ट लेकर और स्कॉलरशिप हासिल की थी, और आज वो आईआईटी कानपुर के अंदर है। टैलेंट सर्च एग्जाम का रिजल्ट 30 तारीख को घोषित किया जाएगा, 30 तारीख को प्रोग्राम कर करके इन सभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। प्राइज के लिए हर क्लास टॉपर को एक लैपटॉप है, सेकेंड थर्ड फोर्थ रैंक के ऊपर एलईडीज हैं, उसके बाद 8th रैंक तक टैबलेट्स हर क्लास के टॉपर्स को दिए जाएंगे, और उसके बाद सभी पार्टिसिपेंट्स को एक शानदार वाला स्कूल बैग भी होगा। वहीं पिलानी में स्थित आशियाना जोहड़ में आज सुबह आग लग गई। आग जोहड़ में स्थित कचरे के बड़े ढेर में लगी, जिसकी सूचना मिलने पर तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और फायरमैन लक्ष्मीकांत व चालक सुनील कुमार ने आग पर काबू पाया। जहां आग लगी वहां बंजारा बस्ती है। गनीमत यह रही कि आग के फैलने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया, जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। वहीं आज पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने ग्राम पंचायत लीखुआ में 15 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित नाले का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लीखुआ सरपंच बच्चन सिंह ने की। इस अवसर पर पिलानी ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार फौजी, ख्याली राम सैनी बीडीसी मेंबर, राजेंद्र बीडीसी मेंबर, अजय कुमार बीडीसी मेंबर, नसीफ मंडेलिया बीडीसी प्रतिनिधि, शीशराम डुलानिया बीडीसी मेंबर, सुरेश मेघवाल बीडीसी, शीशराम सरपंच प्रतिनिधि, हवा सिंह सरपंच प्रतिनिधि, विजेंद्र डूडी सरपंच प्रतिनिधि, सुरेश डांगी होस्टू तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे तथा विधायक जेपी चंदेलिया के द्वारा संबोधन दिया गया तथा विधानसभा क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक कार्यों के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। आज का बड़ा शानदार कार्यक्रम था ग्राम पंचायत लेखवा के मुख्यालय ग्राम लेखवा में, और गांव के लोग, लेखवा के आसपास के कई ढाणियों के, कई पंचायतों के लोग यहां इकट्ठे हुए, और यहां जो नाला जो 15 लाख की लागत से बना विधायक कोष से और पंचायत के सहयोग से, वो नाला जो निर्माण है सक्सेसफुल हुआ, लोग उससे संतुष्ट हैं। जिस बस्ती में ये बना है, प्रजापत जो समाज के थे या दूसरे लोगों की भी, नाला कोई एक व्यक्ति का नहीं होता, एक मोहल्ले का नहीं होता, पानी तो पीछे से भी आता है, तो सब लोग बड़े संतुष्ट हैं। और सड़क जो बनी है वो भी अच्छी है, और हमारी जो आपसी समस्याएं हैं, गांव की समस्याएं हैं, पानी की है और कई समस्याएं, उसके बारे में खुल करके हमारे विचार हुए, गाँव वालों से बात करके मज़ा आया, अच्छा लगा मुझे, और मैं संतुष्ट हूँ कि ये जो काम किए जा रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, उनसे इनको संतुष्टि है, इनकी संतुष्टि में मेरी संतुष्टि है।